नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शुफाल एक बार फिर से अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके लिए चलता हूं चौकोड़ी। चौकोड़ी में रामलीला चल रही है और रामलीला में आज का जो प्रकरण है वो बहुत विशेष है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष को प्रभु श्री राम के द्वारा तोड़ने पर परश राम क्रोधित हो जाते हैं और वे किस तरह से इस स्वयंवर में आते हैं और अखंड के साथ उनका जोरदार संवाद होता है। तो आइए शुरू करते हैं। चंचल मेहता जी जो कि सरकारी शिक्षक है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से परशुराम के चरित्र को अभिनीत किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। Thank you.
दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और प्रभु श्री राम के साथ उनका संवाद होता है, और लखन जो कि क्रोधी स्वभाव के होते हैं वे परशुराम जी को प्रतिक्रिया देते हैं। और अगले ब्लॉग में परशुराम जी और लक्ष्मण का संवाद मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आशा आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन है कि हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।